नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गिरने नहीं देती और नफरत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उठने नहीं देती। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। दोस्तों, प्यार कोई चीज़ नहीं जिसे मेहनत से हासिल किया जाए, प्यार कोई मुकद्दर नहीं जिसे तकदीर पर छोड़ा जाए, प्यार एक यकीन है, भरोसा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं कि किसी से भी किया जाए। नफरतों को जलाओ तो मोहब्बत की रोशनी होगी, वरना इंसान जब भी जले हैं खाक ही हुए हैं। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिसे प्यार न हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से भी ज़्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना का प्रारूप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति की आपको मदद करनी पड़ सकती है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको मानसिक और फिर आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना भी यश में बन रही है। साथ ही दोस्तों, इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में मामा पक्षों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। ये जो समय है आपके लिए, आपका अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा और दोस्तों, परंतु उसका कोई भी लाभदायक नतीजा आपके सामने यश में नहीं आएंगे। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, आर्थिक स्थिति कुछ मंदी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको बता दें, यश में आप जो है महत्वपूर्ण संबंधी कोई भी सकारात्मक बात आपको इसमें पता भी चल सकती है, जिस बात के बारे में आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, उसी से संबंधित प्रगति इसमें आपको नज़र भी आएगी। आपको बता दें कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लौटने की कोशिश कर सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपको कोई अच्छी खबर इसमें मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत आप महसूस करेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य भी यश में बना रहेगा। दोस्तों, कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इससे नई ऊर्जा की अनुभूति भी होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, गुणात्मक और रचनात्मक संबंधी कार्य में आपका विशेष यश में रुझान बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अपने विचारों में लचीलापन रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों, इस बात के इसमें आपको अति ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। दोस्तों, यश में संतान की गतिविधियों पर आपको नजर रखना अति आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आपके प्रयत्न की यश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यश समय सकारात्मक फल देने वाला समय होगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए भी काम से संबंधित कोई अच्छा खबर भी, अच्छा सूचना भी यश में मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि शुरुआत में आपके महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी सभी योजनाएं बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों, इसके बाद जो समय होंगे आपके लिए उतना आपके पक्ष में नहीं होंगे, उतना आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे जितना आप परिश्रम करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वास को इसमें महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य क्षमता में, यश में पूरे दिन पूरे समय में आपको वृद्धि होने की संभावना बढ़ रही है।
आपको बता दें, यश में भावुकता और आलस्य अपने आप को आपको दूर रखना चाहिए, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। तथा दोस्तों, यश में अनुकूल समय का बेहतरीन उपयोग आपको करना चाहिए। आत्म केंद्रित होने के बजाय आपको सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी रुझान यश में रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों मौज मस्ती पर जरूरत से अधिक किया पैसा खर्च आपके लिए खराब हो सकता है। दोस्तों खर्चा आपके लिए तकलीफदायक या फिर तकलीफ पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि पैसे और व्यक्तिगत जीवन संबंधित अधिक जागरूकता जो है दिखने की आवश्यकता इसमें हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना तनाव यश में कम हो रहा है, फिर भी दोस्तों काम पर आप पूरी तरह से ध्यान यश में नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से आपको नुकसान होने की आशंका बन रही है। तो दोस्तों खासकर इससे आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ध्यान पर आपको जो है अपने काम पर आपको ध्यान केंद्रित करने की इसमें आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अद्भुत शक्ति का निर्माण कर रही है, आपको अद्भुत शक्ति इसमें प्रदान करने वाली है। दोस्तों अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि इसमें आपको कई दिनों से लेकर जो भी सूचना नहीं मिली थी दोस्तों, वह महत्वपूर्ण सूचना इसमें आपको मिलने वाली है। इसके उपरांत उसे इसमें ज़्यादा सोच विचार करने से समय को नष्ट ना करें तथा अपनी योजनाओं को तुरंत जो है क्रियान्वित करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। बाहरी गतिविधियों में भी आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए इसमें परेशानी का कारण बनेगा। तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। साथ ही इसमें आपको अपने गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को संभालने की जरूरत होगी। दोस्तों ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार के साथ हो रहे पुराने झगड़ों को खत्म करने की आपको यश में कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों यदि कोर्ट में या फिर प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी विवाद चल रहा हो तो दोस्तों उसे आपसी सामंजस्य से मिटाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों केस से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वे आपके पक्ष में इसमें होने की संभावना जो है बहुत ही कम होगी और उससे आपको नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इसमें समस्या को घर बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेंगी। व्यवसायिक स्थल पर कार्य प्रणाली में बहुत अच्छा बदलाव भी आने की संभावना बन रही है। पब्लिक रिलेशन रखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों व्यवसाय संबंधी नए स्रोत भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग हैं आपके संपर्क में रहेंगे और नौकरी में किसी प्रकार की तरक्की भी इसमें आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम से संबंधित कोई नुकसान होने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, खासकर अपने कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों तथा काम की क्वालिटी पर आपको विशेष नजर रखना चाहिए। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। यश में आपको अपने ऑफिस के काम का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। शायदार संबंधी बिजनेस में इसमें मुनाफा होगा। अपने सहयोगों के निर्णय में विशेष महत्व दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, जो कि आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने की वजह से नौकरी संबंधी जिम्मेदारियाँ आपका इसमें और अधिक बढ़ने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि साझेदार संबंधी कार्य यश में मुनाफे में रहेंगे तथा पार्टनर के साथ आपसी सहयोग और सलाह व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करने वाले हैं। नए अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में प्राप्त हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों प्रेम संबंधों में नजदीकियां आने वाली है। पति पत्नी के संबंध में ईगो को लेकर नोक झोंक रह सकती है। आपको बता दें कि अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अपने वाणी पर संयम रखना है और कोई भी कार्य को करने से पहले अपने जीवन साथी का सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के किसी बात को लेकर नोक झोंक तो रहेंगी, किसी भी बात विवाद में शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और आप इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा भी पाएंगे। तो दोस्तों जो है गुस्से के बजाय इसमें शांतिपूर्ण तरीका का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।
और साथ ही दोस्तों परिवार व फिर नजदीकी मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से संबंध में और अधिक मजबूती आएगी, तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही इनसे पारिवारिक वातावरण और भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सर्दी से अपना बचाव रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप साधनों को रोकेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कभी कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसूस होगी, परंतु जल्दी ही आप ऐसी स्थिति भी उभर जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और साथ ही दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।